जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार। उस वीडियो में अभी हम लोग ओरिएंट ग्रीन पावर को डिस्कस करने जा रहे हैं आसान भाषा में। देखिए, ओरिएंट ग्रीन पावर के बारे में हम सभी जानते हैं कि इसमें समय समय पर तेज़ी बनती रहती है, और लेकिन ज़्यादातर देखेंगे तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में आपको दिखेगा। लेकिन एक ऐसा पावर सेक्टर का छोटा शानदार पेनी स्टॉक है जिसमें आने वाले समय में बूम हो सकता है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कंपनी सिर्फ थर्मल पावर प्लांट पर ही बेस्ट नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी काम करती हुई ये कंपनी दिख रही है। तो इसकी बदौलत इसके शेयर प्राइस में तेज़ी आती हुई दिख सकती है, और लंबी अवधि के यदि माने लंबी अवधि के टर्म में देखेंगे तो ये कंपनी एक अच्छा परफॉर्म करते हुए आपको दिख सकती है। इसलिए इस कंपनी के बारे में इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे क्या होने वाला। अभी तक कल के दिन का शेयर प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 रुपये के आसपास कल जब मार्केट ओपन था तो इस कंपनी का शेयर प्राइस दिखाया था। तो कल के दिन देखेंगे तकरीबन इसमें 2.5% के आसपास आपको तेज़ी देखते हुए मिली है। अब देखिए, ये 2.5% का तेज़ी एक दिन में देखने को मिली है। यदि पिछले 6 मंथ में देखेंगे तो 6 मंथ में गिरावट ही देखने को मिली है। 6 मंथ में हालांकि ऐसा नहीं कि लगातार गिरते ही रहा, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से प्राइस इसका उठा भी है और इसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा डाउन जाने लगा, और फिर देखेंगे तो यहीं पर आकर इसने अपना सपोर्ट ले लिया। अब देखिए, मैं जब स्क्रीनर की वेबसाइट पर आपको लेकर चलूँगा तो वहाँ पर सारी बातें डिटेल से समझाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस में। अभी फिलहाल देखेंगे तो 1 मंथ की यदि बात करें तो 1 मंथ में स्टॉक तकरीबन आपको 1.5% के आसपास चढ़ते हुए भी दिखा है। वहीं 1 सप्ताह में देखेंगे तो 1 सप्ताह में स्टॉक अच्छा खासा आपको चढ़ते हुए दिखा है। ये यहाँ पर छोड़ दीजिए कि ये 10% की तेज़ी दिख रही है, यहाँ पर देखिए चार्ट ही बहुत कुछ बता दिया। चार्ट पर देखेंगे तो चार्ट यहाँ से देखेंगे तो अभी भी ऊंचाई पर ही आपको दिखेगा, यानी कि लंबी अवधि की जब हम बात करते हैं तो लंबी अवधि में इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाते हुए दिख रहा है। अब आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पर ले चलेंगे जहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से पहले हम लोग पता करेंगे कि ये चार्ट और कितना ऊपर जा सकता है। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस जो होता है ना, क्या होने वाला है कंपनी पहले बता देता है, और फंडामेंटली में जब कंपनी स्ट्रांग होती है तो ये बात कंफर्म होती है कि देर से उसमें तेजी आएगी ही आएगी। तो पहले टेक्निकल देख लेते हैं फिर फंडामेंटल देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अभी मैंने इस कंपनी का 5 साल का चार्ट ओपन किया है। 5 साल के चार्ट पर जो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये 5 साल के चार्ट में जब कंपनी का शेयर प्राइस लगातार यहाँ से नीचे गिर रहा था, और यहाँ से जब इस लेवल से बढ़ना शुरू हुआ, और अभी भी देखेंगे तो जब ऊपर जाकर नीचे आया तो ये जहाँ से उठना शुरू हुआ था अभी भी इस कंपनी का प्राइस इसके ऊपर ही, यानी कि अभी उतना बुरा सिचुएशन इसके लिए नहीं आया है। देखिए, होता क्या है कि जब इस कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी ऊपर बढ़ जाता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मारने के नीचे आता है और फिर रिट्रेसमेंट मारकर ऊपर उठता है। तो यही अभी कंपनी का शेयर प्राइस कर रहा है, रिट्रेसमेंट मारा, और अभी देखेंगे तो ये कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि अभी इसका प्राइस देखेंगे तो कंसोलिडेशन रेंज में, और कंसोलिडेशन रेंज अब देखेंगे तो आपको यहाँ पर धीरे धीरे दिखाई देगा कि धीरे धीरे अब इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर की तरफ उठते हुए आपको दिख रहा है, यानी कि अब कंसोलिडेशन से बाहर निकलने की तैयारी कर चुका है। अब मैं आपको 1 साल के चार्ट पर दिखाता हूँ। 1 साल के चार्ट पर जो आप देखेंगे तो बातें ज़्यादा क्लियर होंगी। अब देखिए, मैंने 1 साल का चार्ट ओपन कर दिया है। 1 साल के चार्ट पर देखिए अभी आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये 50 डे का मूविंग एवरेज है जो पीली वाली लाइन है, और जो ब्लू लाइन है इस कंपनी का शेयर पैटर्न है, यानी कि चार्ट है जो शेयर प्राइस बताते हैं। तो अभी ये देखेंगे आप तो यहाँ पर देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है अभी 50 डे का जो मूविंग एवरेज है इससे नीचे है। तेजी आएगी कब, जब ये जो शेयर प्राइस है ब्लू वाली लाइन जब इस पीली वाली लाइन के ऊपर निकले, यहाँ पर जहाँ भी देखेंगे जब पीली वाली लाइन के ऊपर इस कंपनी का शेयर प्राइस आए तब उसमें तेजी आती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो ब्लू वाली लाइन है अब ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रही है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि अब ये जो ब्लू लाइन है ये जो पीली वाली लाइन है इसके ऊपर निकलते हुए दिख सकती है। और एक बार इसके ऊपर निकले तो सीधे इसका प्राइस आएगा 11 रुपये के आसपास तक, और उसके बाद फिर 12 रुपये के आसपास। पहले 11 रुपये के आसपास आते हुए कन्फर्म है, एक बार इसके ये इस पीली वाली लाइन के ऊपर निकल दे तो 11 रुपये तक इसका प्राइस आते हुए नियर टर्म में दिख सकता है। और फिर लंबी अवधि की बात करें तो लंबी अवधि में तो ये 14 रुपये तक तो आएगा ही, इससे भी काफ़ी ऊपर जाएगा। अब देखिए, टेक्निकल एनालिसिस ये कहता है कि अभी जल्द ही इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाते हुए आपको दिख सकता है। फंडामेंटली बात करें तो देखिए, फंडामेंटली ओरिएंट ग्रीन पावर जो कंपनी है, जिसमें मैंने शुरू में बताया कि पावर सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, और ये कंपनी धीरे धीरे अब देखेंगे तो अब विंड टर्बाइन के सेक्टर में तो है ही, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में जो विंड टर्बाइन बनाया जाता है या सोलर पावर प्लांट से बिजली पैदा की जाती है, उन सभी चीज़ों में कंपनी काम करती है। अब थोड़ा सा हम लोग कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात करें, क्या यदि ये आइडिया लग जाए कि फंडामेंटली कंपनी कितना स्ट्रॉन्ग है कि उस हिसाब से लंबी अवधि के लिए हम लोग निवेश की रणनीति बनाएंगे। तो अभी देखिए, अभी क्या है कि इस कंपनी का जो मार्केट कैप आप देख सकते हैं तकरीबन आपको 679 करोड़ के आसपास दिख रहा है, मान के चल सकते हैं तकरीबन 700 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है। देखिए, शेयर प्राइस 9 रुपये के आसपास है, जो कि इसका जो बुक वैल्यू 7 रुपये उससे ऊपर, ये काफ़ी बढ़िया बात है। शेयर प्राइस हमेशा बुक वैल्यू से ऊपर ही होना चाहिए। दूसरी कमाल की बात है कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और जो ROC देखेंगे दोनों 8 मतलब निगेटिव में नहीं है, ये काफ़ी बड़ी बात है। और ज़्यादातर देखेंगे जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उनका, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आपको ये निगेटिव देखने को मिलता है ROE और ROC, लेकिन इस कंपनी में ऐसा नहीं है। इस कंपनी में जो इसका ROE है और ROC है दोनों पॉजिटिव और काफ़ी अच्छा परसेंट के साथ ऊपर की तरफ है। हालांकि स्टॉक का PE 30 के आसपास है, थोड़ा सा वैल्यूशन वाइज महंगा दिख सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो पेनी स्टॉक देखेंगे वो तो 300-400 के आसपास होते हैं, लेकिन ये 30 के आसपास है,
डबल डिजिट में, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट टाइम है इसमें एंट्री लेने का। यदि आप एंट्री लेने के लिए सोच रहे हो तो ये एक सही समय हो सकता है, लेकिन मैं निवेश करने की इसमें सलाह नहीं दे रहा हूँ। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो अपनी सोच बूझ और अपने विवेक के साथ कीजिएगा, मेरा कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं। मैं जो बातें हैं जानकारी के उद्देश्य से आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो देखिए, मैंने इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बता दिया, टेक्निकल एनालिसिस क्या कर रहा है उसके बारे में बता दिया। फिर भी यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो हमसे कमेंट में जरूर पूछिए। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपके पास शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एंजल वन या एम स्टॉक के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।